हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं भानु प्रताप सिंह आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, लचीली विनिर्माण प्रणाली। चलिए तो बच्चों, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, उसमें क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज़ हो सकती है। सपोज़ मान लीजिए हमारे पास कोई एक मशीन है, तो मान लीजिए मार्कर बनाने की ही मशीन है, तो मार्कर बनाने की मशीन है तो स्पेसिफिक प्रोग्राम होगा। अगर ऑटोमेटिक है तो CNC मशीनें होंगी, NC मशीनें होंगी, स्पेसिफिक प्रोग्राम होंगे उसको बनाने के लिए, वो प्रोग्राम के थ्रू वो प्रोडक्शन कर रहा है। मान लीजिए मैं मार्कर नहीं बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं उसका पेन बनाना चाहता हूँ या कोई और चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ उससे रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्ट जब चेंज है तो सारी मैन्युफैक्चरिंग जो रूटीन्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि उस मार्कर बनाने वाली मशीन से पेन बनाया जा सके? सबसे पहली तो बात ये, अगर पॉसिबल है तो क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए आप किसी मार्कर का लेंथ आप अप्रॉक्स 14 सेंटीमीटर का बना रहे हैं, आपको ज़रूरत है मार्कर की लेंथ बढ़ाने की, तो क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी? क्योंकि आपने बना मार्कर ही रहे हैं, प्रोडक्ट सेम है, बस उसकी लेंथ बढ़ानी है, थिकनेस बढ़ाना है, डाया बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं हमें मैन्युफैक्चरिंग में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। बिना फ्लेक्सिबिलिटी के ऐसा नहीं होगा, तो आपको पूरा मशीन चेंज करना पड़ जाएगा। पूरा मशीन चेंज करना आसान तो है नहीं, पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेंज करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है, क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाए, जिसकी वजह से प्रोग्राम में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, थोड़े प्रोसेस में मॉडिफिकेशन करके, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट या डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के सिमिलर प्रोडक्ट्स बना सकें। तो बेसिकली इसी को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के नाम से जाना गया। तो बच्चों, कंपिटिटिव मार्केट्स में आप देख ही रहे हैं, डिज़ाइन इंजीनियर और निर्माता को भी कम से कम समय में उत्पाद को उत्पादन करना पड़ता है, मतलब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना पड़ता है। इसी चीज़ को देखते ही मैं फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि उत्पादन गतिविधियों या क्षमताओं में परिवर्तन का समर्थन करता है, यही है फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी बच्चों? तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, ऑपरेशन होगा, कैपेसिटी होगी, कस्टमर होंगे, स्ट्रैटेजिक होगी, सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल करनी पड़ेंगी। देखिए मैं समझाता हूँ, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी है, तो मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो कहीं ना कहीं तीन लेयर्स में या तीन स्तर पर पाए जाएंगे। पहला, बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी में तीन चीज़ें अगेन आएंगी, कौन कौन सी? मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब मशीन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मशीन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को ले सके, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन कर सके, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सके। मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसके ऑपरेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी में वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, इंस्पेक्शन प्रोसेस और प्रोडक्ट, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब आयतन का मतलब कैपेसिटी से है, इंस्पेक्शन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट इंस्पेक्शन करेंगी, ऑटोमेटिक मशीनें खुद करती हैं तो उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना है तो उसके प्रोसेस भी डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना है तो उसके प्रोसेस डिफरेंट है तो प्रोसेस में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनना है तो प्रोडक्ट में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी का जो तीसरा एलिमेंट है वो एग्रीगेट फ्लेक्सिबिलिटी है। एग्रीगेट का मतलब बच्चों एकत्रीकरण लचीलापन होता है।
प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मशीनें ऑटोमेटिक हैं, प्रोग्राम के थ्रू ही आप इनपुट दे रहे हैं, तो प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए इनपुट यही है, प्रोग्राम ही है, तो प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और प्रोग्राम की वजह से प्रोडक्शन में भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी और इन सब की वजह से प्रोडक्ट में जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो हमारा मार्केट भी फ्लेक्सिबल होगा, मतलब प्रोडक्ट की डिमांड भी डिफरेंट होगी। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, इसी में पूरा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपका छुपा हुआ है, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मशीन का लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबल मशीनिंग, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो एक साथ मशीन विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के आकारों पर विभिन्न कार्यों को संशोधित कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हम करते हैं, मशीन में पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग को आप चेंज करिए, हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी मशीन की वो चेंज हो जाएगी, मतलब मशीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, दूसरा इसमें मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि जिसके साथ जॉब को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है और सिस्टम में विभिन्न मशीन टूल्स पर पोजीशन किए जा सकते हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी बच्चों, तो ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी नाम से ही स्पष्ट है कि जिसके साथ वैकल्पिक ऑपरेशन, मतलब बहुत सारे ऑपरेशन एक दूसरे के सिक्वेंस में प्रोसेस किए जा सकते हैं, ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट ऑपरेशन होगा तो ही बात है ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी में। सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी में आयतन है, वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, तो वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जैसे कि उत्पादित करने की क्षमता के माप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको, मान लीजिए 1000 पीस चाहिए, 2000 पीस चाहिए, उसी हिसाब से आप मशीन को कमांड देंगे कि 1000 पीस 2000 पीस, उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग करेंगे, उसी हिसाब से मशीन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, मशीन का ऑपरेशन होगा। तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितनी कैपेसिटी का प्रोडक्शन करना है, दैट इज़ वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी। अब दूसरा आता है इंस्पेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। इंस्पेक्शन क्या है, तो डिफरेंट इंस्पेक्शन गलत लिख दिया है, और सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी में इंस्पेक्शन भी आता है, जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसका इंस्पेक्शन भी करना है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन का इंस्पेक्शन करिए, प्रोसेस का इंस्पेक्शन करिए या प्रोग्राम का इंस्पेक्शन करिए, इंस्पेक्शन तो सिस्टम में होना चाहिए, क्योंकि व्हाट द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी मेड दैट शुड बी इंस्पेक्टेड बाय द मशीन ऑटोमेटिकली। तो उसमें भी इंस्पेक्शन, अगर आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं, ऑपरेशन चेंज कर रहे हैं, तो इंस्पेक्शन भी चेंज होगा, मतलब इंस्पेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी क्या है बच्चों, तो प्रोसेस कह लीजिए या रूटीन्स कह लीजिए। ठीक है, तो प्रोसेस क्या, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसेस चाहिए, मतलब कि किसी दिए गए प्रक्रिया योजना के लिए एक प्रणाली के माध्यम से प्रभावी ढंग से कार्य करता है। मतलब अगर आप प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन चेंज कर रहे हैं, तो सब कुछ चेंज होगा, मतलब उसका आप कह सकते हैं कि उसका कंट्रोल, उसका प्रोसेस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोडक्ट, उसकी डिज़ाइनिंग, उसका प्रोग्राम, उसकी हैंडलिंग, उसका ऑपरेशन सब चेंज होगा। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस जितना मैं अभी बोला, ये सारे प्रोसेस फ्लेक्सिबल होंगे, चेंज हो सकते हैं, चेंज मतलब फ्लेक्सिबल होने चाहिए, तभी तो सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा। अगर सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्यों कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी के तीन पिलर्स हैं, सिस्टम, एग्रीगेट और बेसिक। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट हमें डिज़ाइन करना है वो डिफरेंट होगा, तभी सारे चीज़ें डिफरेंट हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर होगा, मतलब प्रोडक्ट में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रोडक्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं, इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ तो सबसे पहले 1960 में सिस्टम 24 के नाम से इसे जाना गया था इंग्लैंड में। ठीक, उसके बाद से धीरे धीरे इसमें न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ऐड होता गया, मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल और न्यूमेरिकल कंट्रोल की मदद से 2400 घंटे मशीन काम करता था बिना ऑपरेटर के, बिना ह्यूमन ऑपरेटर के, इसलिए इसे ऑटोमेटिक पे और ध्यान दिया गया। धीरे धीरे
ये ऑटोमेशन हो गया, धीरे धीरे ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया। अब ऑटोमेटिक होने की वजह से इसमें बहुत सारी चेंजिंग करनी पड़ी तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वो फ्लेक्सिबल हो, ताकि हम प्रोग्राम में चेंज करें, प्रोसेस में चेंज करें, मशीनिंग में चेंज करें, मटेरियल हैंडलिंग सारे प्रोसेस को, अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम चेंज कर सकते हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। एग्रीगेट का मतलब आप समझ ही रहे हैं, प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्शन में और मार्केटिंग में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल और न्यूमेरिकल कंट्रोल के साथ साथ ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का एक ग्रुप है, या मैं कहूँ कि जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग विद न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। दैट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो कुछ इसके मेजर एलिमेंट्स होंगे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के, मैं बता देता हूँ। तो जो प्रोडक्ट इक्विपमेंट होगा, जैसे आप, मैं कहूँ कि धातु की चादर पर काम करने के लिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मशीनिंग के लिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा उसमें मशीनिंग के लिए भी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होना चाहिए, और बच्चों सपोर्ट सिस्टम में भी होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये कि ऐसे टूल्स जैसे स्वचालित मशीन टूल्स हैं, उनको आमतौर पर अपने ऑपरेशन के लिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई ऐसी सिस्टम्स होती हैं जिनमें और भी सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टूल्स के टूटने का मापन। मान लीजिए टूल्स से आप बना रहे हैं, वो टूल्स टूट गया, तो उसमें भी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए चाहिए। टूल प्री सेटिंग, टूल को आप सेट कर रहे हैं, टूल प्री सेटिंग, टूल को आप रीग्राइंड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको रीग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है और रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। वियर ऑन टीयर, जो टूट फूट हो जाते हैं टूल्स, उनको रिप्लेस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब भी फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए उसमें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में आते हैं, तो ये मटेरियल हैंडलिंग जो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो पहले ये जानिए कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कितने तरह से हो सकते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम बच्चों तीन तरह के हम मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं, मतलब पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीन तरह से ले जा सकते हैं। पहला कि ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल हो, मतलब स्वचालित निर्देशित वाहन हो जो बैटरी से चलता है, ऑटोमेटिक चलता है, किसी एक पाथ को फॉलो करता हुआ चलता है। मान लीजिए जैसे आप ब्लैक स्ट्रिप, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, अब ब्लैक स्ट्रिप होती है, काली पट्टी होती है, उसको फॉलो करता हुआ जाता है फिर वापस आता है, तो ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल कहते हैं उसको, स्वचालित निर्देशित वाहन कहते हैं, वो भी पदार्थ को ढोता जाता है। कन्वेयर होते हैं, जैसे एक स्थान से, किसी एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान पर वर्कपीस को ट्रांसफ़र करने के लिए कन्वेयर का इस्तेमाल हम करते हैं, या रोबोट्स हो सकते हैं बच्चों। तो रोबोट्स के माध्यम से तो किसी भी पदार्थ या वर्कपीस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो रोबोट के द्वारा दो तरह के कार्य किए जा सकते हैं, पहला मटेरियल हैंडलिंग, दूसरा मशीन की लोडिंग और अनलोडिंग। तो कहीं ना कहीं मटेरियल हैंडलिंग तीन तरह से किया जा सकता है, सॉरी, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल से, कन्वेयर के थ्रू, रोबोट के थ्रू। रोबोट भी दो तरह से, एक मटेरियल ट्रांसफ़र, एक मटेरियल लोडिंग एंड अनलोडिंग करके। ठीक है बच्चों, चलिए। अब आपका था कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। इन सब चीज़ों को जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है, न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम या कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, वो क्या क्या इंक्लूड करता है या क्या क्या लेता है, तो देखिए कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफ़र सिस्टम, डेटा स्टोरेज सिस्टम, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, सुपरवाइजरी कंप्यूटर, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, इन सब को एग्रीगेट करता है। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बात मैं कहूँ कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को निम्न सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना होता है, जैसे कैड कैम, जो हम डिज़ाइन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके साथ, जो मशीन टूल्स के साथ CNC प्रोग्राम बनाती है। दूसरा शॉप फ्लोर कंट्रोल सिस्टम, जो कार्य के लोडिंग और रूटिंग को मतलब शेड्यूल करता है। तीसरा प्रबंधन सूचना प्रणाली, मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मशीन के रिप्रेजेंटेशन यानी प्रदर्शन की रिपोर्ट को मैनेज करता है या प्रबंध करता है। ठीक है, तो बेसिकली एक वर्ड में जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ
कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का एक ग्रुप है जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल किसकी मदद से चलता है, तो न्यूमेरिकल कंट्रोल या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल विद ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक टर्म आता है इसी में, वर्क होल्डिंग या टूल इक्विपमेंट्स क्या है, टूलिंग इक्विपमेंट्स क्या है। तो जब कार्य होल्डिंग या टूलिंग उपकरण फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में होते हैं तो इनके द्वारा वर्कपीस को होल्डिंग उपकरणों के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। फिक्सचर का उपयोग करते हैं वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, जिग्स और फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में आते हैं। ठीक है बच्चों, वर्कपीस को होल्ड करने के काम आते हैं। चलिए अब एक आता है टूलिंग इक्विपमेंट्स क्या है। तो जैसे आप टूल मैगजीन्स देखते हैं ना, जिसमें बहुत सारे टूल फिक्स होते हैं, तो टूल मैगजीन्स में बड़ी संख्या में टूल होते हैं, तो सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी टूल मैगजीन की क्षमता पर निर्भर करता है, वही है टूलिंग इक्विपमेंट्स। अब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं बच्चों? तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बेसिकली तीन तरह के हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर लाइन, फ्लेक्सिबल मशीन सिस्टम। तीन तरह के हो सकते हैं, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो पहला फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल। तो बच्चों फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल ग्रुप टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, मतलब जो इस सिस्टम में जो सीएनसी मशीन्स के टूल्स हैं, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग है और टूल एक्सचेंज पैलेट है, वो एक्सचेंजर के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है उसके लिए रोबोट, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल आदि का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें एक या एक से अधिक सीएनसी मशीन टूल्स को सामान्य उद्देश्य या स्वचालित मटेरियल से निपटने के लिए टूल परिवर्तक के साथ डिजाइन करके इंक्लूड किया जाता है, समावेश किया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा है फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन, नाम से ही स्पष्ट है, नम्य स्थानांतरण लाइन। तो फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन को उच्च मात्रा के उत्पादन का भी, मतलब अगर हम कॉन्सेप्ट रखें तो जो फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन है उसमें उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। ज़्यादा मात्रा में उत्पादन के पार्ट्स को बहुत सारे ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, प्रत्येक ऑपरेशन में जो जॉब होता है उस पर सभी कार्य पूर्ण करने होते हैं, कंप्लीट करना होता है। यह निकाय के माध्यम से एक निश्चित पथ बना लेता है, एक निश्चित पाथ बना लेता है, एक निश्चित रास्ता बना लेता है, जिस पर एक पार्ट को तैयार करने में सभी ऑपरेशन लगे होते हैं, सभी ऑपरेशन इंक्लूड होता है। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को पैलेट, कन्वेयर इत्यादि से हम मूव कराते हैं। तो बेसिकली फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन क्या है कि एक पाथ है जिसमें सारे ऑपरेशन इंक्लूड होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का कि फ्लेक्सिबल मशीनिंग सिस्टम, FMS। तो फ्लेक्सिबल मशीनिंग सिस्टम क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, मशीनिंग कर रहे हैं हम इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी इन मशीनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो नम है मशीनिंग पर, जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसमें ट्रांसफर लाइन और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल के बीच में एक मध्य में एक कार्य करती है। जैसे जो हमारा फ्लेक्सिबल मशीन सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल मशीनिंग, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल और ट्रांसफर लाइन के मध्य कार्य करती है। इसमें जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग या फ्लेक्सिबल ऑटोमेटिक मशीन टूल्स है वो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को तथा ऑटोमेटिक टूल एक्सचेंजर की एक चेन बनाती है और इन्हीं दोनों के बीच वो कम्युनिकेट करती रहती है, फ्लेक्सिबल मशीनिंग सिस्टम कहलाएगा। मतलब बेसिकली फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल में ग्रुप ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन एक ऐसी ट्रांसफर लाइन जो एक पाथ को फॉलो करे, सारे ऑपरेशन इंक्लूड हो, और तीसरा फ्लेक्सिबल मशीनिंग सिस्टम दोनों के बीच की कड़ी होती है। ठीक है बच्चों, बस यही है। इस वीडियो को मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ, आगे मैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग लेआउट पढ़ाऊंगा, इससे पहले आप इंट्रोडक्शन जान लीजिए तो बेहतर होगा। चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। और तो जो कंटेंट होगा हमारा अगला वो इंट्रोडक्शन होगा, हिस्ट्री होगी, क्यों फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, बेसिक कंपोनेंट क्या है, इक्विपमेंट्स अभी हमने बता दिया, टाइप्स बता दिया, लेआउट से ये नीचे पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो कुछ देख लेते हैं इसमें। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, जैसा कि बता रहा हूँ,
फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज ऑटोमेटेड मशीन सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्रोसेसिंग वर्क स्टेशंस इंटरकनेक्टेड विथ ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. ठीक है बच्चों, तो यही आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है. तो हिस्ट्री भी आपको बता ही दिया था, ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो जैसा कि मैंने बताया, प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए, एक्सटर्नल चेंजेस के लिए, सच एज चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन सिस्टम, ऑप्टिमाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, जो विनिर्माण चक्र का समय है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, और तीसरा जो है रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाने के लिए, और जो चौथा है ओवरकमिंग इंटरनल चेंजेस लाइक ब्रेकडाउन से बचने के लिए, मतलब इंटरनल जो चेंजेस हैं उनसे बचने को ओवरकम करने के लिए. ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, तो वर्क स्टेशन होगा, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम होगी, और तीसरा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होगा. तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन है. ठीक है बच्चों, चलिए वर्क स्टेशन क्या होता है, जैसे लोडिंग करना, अनलोडिंग करने का स्टेशन, मशीनिंग फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद मशीनिंग का स्टेशन, अदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं उनके प्रोसेसिंग स्टेशन, और सारी चीज़ें जब फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो असेंबल कर रही हैं, मतलब असेंबली स्टेशन भी वर्क स्टेशन का पार्ट है. तो बहुत सारे सब स्टेशन होते हैं इसमें, वर्क स्टेशन में लोडिंग अनलोडिंग स्टेशन, मशीनिंग स्टेशन, अदर प्रोसेसिंग स्टेशन, असेंबली स्टेशन. ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक पाथ फॉलोवर है, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक है, कहीं कन्वेयर है, कहीं रोबोट्स है, तीन तरह के हो सकते हैं. ठीक है बच्चों, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे इसमें इंक्लूड कर दिया था आपको दिखा सकूँ कैसे एक जो कंप्यूटर है वो कैसे सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, ये आपका बेसिक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है. कहीं एक प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होती है, सारे मशीन्स को प्रोग्रामिंग कमांड दिए जाते हैं और सारी मशीनें अपना अपना टास्क परफॉर्म करती हैं, और मटेरियल हैंडलिंग एक मशीन से दूसरे मशीन पर ऑटोमेटिक होता है, चाहे वो रोबोट के थ्रू हो, चाहे वो कन्वेयर के थ्रू हो, चाहे आपका ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल हो, AGV हो. ठीक है, वो एक मशीन से दूसरे मशीन पर ले जाएंगे और सारी मशीनें अपना काम कर देंगी, तो फाइनल कहीं ना कहीं मटेरियल जो फाइनल प्रोडक्ट होगा कलेक्ट हो जाएगा, या उसको असेंबल करना होगा तो असेंबल होकर के फाइनल प्रोडक्ट हमारा स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, ये रियल प्लांट का व्यू है. टाइप्स क्या, सिक्वेंशियल, रैंडम, डेडिकेटेड और इंजीनियर्ड. ये हमें नहीं समझना, जो हमने टाइप्स आपको बताया वो आप याद रखिएगा, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल, फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन और फ्लेक्सिबल मशीनिंग सिस्टम. ठीक है, बेसिकली तीन ही. चलिए, तो लेआउट्स इसको हम अगले वीडियोस में देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको मैं यहीं पे पॉज करता हूँ वीडियो को. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है बच्चों, और मैं इसका एक वीडियोस भी, ट्यूटोरियल वीडियोस भी लास्ट में दिखाऊंगा. तो आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और इसका दूसरे पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. ठीक है बच्चों, कंप्यूटर की लैंग्वेज है इंग्लिश ज़्यादा होगी, परेशान मत होइएगा, फिर से कह रहा हूँ, कंप्यूटर इज़ अ टोटल इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, चलिए बाय.